हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश ले जा रहे हैं जहां जेल से भागने पर तो कोई सजा नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप रोड पर रनिंग करते पकड़ जाएं तो 90 यूरो का जुर्माना आपको हो सकता है। जी नाजरीन, 1960 में ये मुल्क बैरूनी इमदाद पर चलता था और पाकिस्तान भी इसे कर्जा देने वाले ममालिक में शामिल था, और आज दुनिया की चौथी बड़ी मईशत ये मुल्क है। इस मुल्क की एक स्ट्रीट का नाम अलामा इकबाल स्ट्रीट भी है। नजरीन, ये एक ऐसा देश है जहां जिस्म फरोशी की बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर बकायदा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। यही नहीं बल्कि डिसेबल्स अफराद को फैसिलिटेट करने के लिए यहां की गवर्नमेंट सेक्स वर्कर्स को खुद पैसे भी देती है। जी हाँ, आज हम आपको डिजिटली घुमाने ले जा रहे हैं जर्मनी की, एक ऐसा देश जिसने आज की दुनिया को तकरीबन हर दूसरी इजाद दी। मेडिसिन की बात करें तो एस्पिरिन, गाड़ियों में BMW, ऑडी, बिग ब्रांड्स, एक्सरे, बाइसिकल और बहुत कुछ इसी मुल्क का दिया हुआ है। नाजरी, इन सब के अलावा आज वो फैक्ट्स आपको बताएंगे इस मुल्क जर्मनी और यहाँ के लोगों के बारे में, जो मैं यकीन से कहता हूँ आप पहले नहीं जानते होंगे। इसलिए बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जर्मनी यूरोप में वाकई सबसे बड़ा देश है। इसकी आबादी 84 मिलियन, जबकि एरिया 357,388 स्क्वायर किलोमीटर है। जर्मनी की सरहद 9 ममालिक से मिलती है, यानी डेनमार्क, पोलैंड, सिजिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नदरलैंड इसके पड़ोसी ममालिक हैं। जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज है। जर्मनी का कैपिटल सिटी बर्लिन है। इससे पहले जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों को 7 मरतबा जर्मनी का कैपिटल सिटी बनाया गया, लेकिन 1990 से लेकर आज तक बर्लिन ही जर्मनी का कैपिटल है। नजरीन ग्रामी, हिस्ट्री की बात करें तो जर्मनी की कहानी वो अरूज और जवाल की कहानी है, जिसे सुनकर दुख भी होता है और सबक भी मिलता है। ऑस्ट्रिया के एक शहजादे के कत्ल से शुरू होने वाली 2 आलमी जंगों ने 50 से ज्यादा ममालक के 1 करोड़ से ज्यादा फौजियों और लगभग 3 करोड़ अफराद को मुतासर किया। जंगे अजीम दोम के बाद 1,45,00,000 जर्मन लोग कैंपों में रहते थे, जिसकी 70 लाख फौज 2 आलमी जंगों की नजर हो गई थी, और औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में 3 गुना थी। नजरें ग्रामी, 1960 तक ये मुल्क दीकर 15 ममालक से कर्जा लेकर गुजारा करता था, और पाकिस्तान भी इसे $120 मिलियन का कर्जा 20 साल के लिए दे रखा था। लेकिन नाजरीन ग्रामी, वक्त पलटा। इस कौम ने वक्त की अहमियत को समझा, छोटे छोटे कारोबार शुरू किए गए और आज ये मुल्क दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। इसकी इकॉनमी $3.49 ट्रिलियन की है, और ये मुल्क अमेरिका, चाइना और जापान के बाद ताकतवर तीन मुल्क है। नजरीन ग्रामी, जर्मनी की प्रोग्रेस को डिस्कस करने से पहले आइए आपको इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। वेल दोस्तों, अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो हम किसी दोस्त या ट्रैफिक पुलिस को कॉल करते हैं ताकि वो हमें पेट्रोल ला कर दे, लेकिन जर्मनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ट्रैफिक पुलिस को पता चल गया कि आपकी गाड़ी पेट्रोल ना होने की वजह से खड़ी है तो आपको 600 यूरो जुर्माना या लेसन सस्पेंड की सजा भी हो सकती है। नजरीन ग्रामी, आपको इस मुल्क की एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं। पहले जंगे जीम में जब पाबंदियों के बायस कोका कोला बॉटल्स को जर्मन बेचना मुश्किल हो रहा था, तो जर्मनों ने इस कमी को पूरा करने के लिए एक ड्रिंक को इजाद किया ताकि हमें कोक की कमी महसूस ना हो। आज दुनिया इस ड्रिंक को फांटा के नाम से जानती है, यानी फांटा सॉफ्ट ड्रिंक बस ऐसे ही इजाद हो गया था। वेल दोस्तों, जर्मनी बहुत ही वियर्ड और इंटरेस्टिंग देश है। यहाँ एक तरफ स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस पर बैन है, तो दूसरी तरफ शराब किसी भी जगह पर बैठकर पी जा सकती है, यानी आप पब्लिक प्लेसेस पर बैठकर शराब पी सकते हैं लेकिन सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, है ना वियर्ड। नजरीन, आपने ड्रिंक्स और कैश निकालने के लिए तो ATM मशीन्स इस्तेमाल की होंगी, लेकिन जर्मनी में जगह जगह ऐसी ATM मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ सेक्स वर्कर्स टिकट निकालती हैं और प्रोस्टिट्यूशन के कारोबार को स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करती हैं, और इन मशीन्स को ATM मशीन्स नहीं बल्कि सेक्स मीटर्स कहा जाता है।
बल्कि सिगरेट और शराब की तरह जर्मनी एक तरफ तो सेक्स वर्कर्स को सेक्स मीटर के जरिए यानी टिकट के जरिए चार्ज करता है, तो दूसरी तरफ डिसेबल्स लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी तरफ से सेक्स वर्कर्स को पैसे भी खुद से अदा करता है। दोस्तों, जर्मनी एक पावरफुल और खूबसूरत मुल्क है। हर साल तकरीबन 25 मिलियन के करीब लोग जर्मनी आते हैं। ड्रिफ्टिंग और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के शौकीन अफराद के लिए यह मुल्क आइडियल है। भाई, जर्मनी में 65% ऐसे रोड हैं जहां कोई स्पीड लिमिट नहीं, यानी जितनी मर्जी गाड़ी तेज दौड़ाएं कोई आपको पूछेगा भी नहीं और ना कोई चलान होगा। गाड़ियों से याद आया, नाजरीन, जर्मनी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाला मुल्क है, यानी ऑटो इंडस्ट्री का लीडर टोयोटा जापान या कोरिया नहीं बल्कि जर्मन ब्रांड्स मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वोल्क्सवैगन जैसी गाड़ियां दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती और खरीदी जाती हैं। जर्मनी सिर्फ गाड़ियां या फांटा बॉटल्स ही नहीं बनाता बल्कि बाइसाइकिल, एक्सरे मशीन, लाइट बल्ब, LCD स्क्रीन, लेंस, एस्प्रिन मेडिसिन और खानों में इस्तेमाल होने वाली मेयोनीज भी सबसे पहले जर्मन लोगों ने ही ईजाद की। तरक्की ऐसे ही नहीं होती। जर्मनी अपनी जरूरत का 1/3 इलेक्ट्रिसिटी सोलर और विंडमिल से हासिल करता है। संडे को यहाँ छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी की तरह नहीं कि दुकानें आज 4 बजे खुलेंगी, आज छुट्टी है, बल्कि मुकम्मल छुट्टी होती है और इसे क्वाइट डे भी कहते हैं। और अगर आप अपने घर से बाहर लॉन भी साफ करते हुए पकड़े गए तो पुलिस आपको पूछ सकती है और अपने साथ भी ले जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जर्मन लोग टेनिस लवर माने जाते हैं और मशहूर टेनिस स्टार्स स्टेफी ग्राफ, बोरिस बेकर और माइकल स्टेग सब मशहूर जर्मन टेनिस स्टार्स और वर्ल्ड चैंपियन थे। नाज़रीन ग्रामी, जर्मन कौम की तरक्की का राज स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज यानी SMEs हैं, यानी छोटे पैमाने पर कारोबार। जर्मन की तकरीबन 99% कंपनियां SMEs हैं और आज बड़ी से बड़ी एम्पायर और वर्ल्ड लीडिंग कंपनियां कभी इन्हीं छोटे गैराज और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से ही स्टार्ट होनी थी। वेल, दोस्तों, तकरीबन हर मुल्क की तरह यहाँ भी लोग सुपरस्टिशन या तोहम प्रस्ती का शिकार हैं। जैसे पूरी दुनिया में खिड़कियाँ एयर की वेंटिलेशन के लिए बनाई जाती हैं, जबकि जर्मन लोग खूबसूरत मौसम में भी खिड़कियाँ नहीं खोलते और वो ये बिलीव रखते हैं कि ऐसा करने से जुकाम, खांसी या कोई दूसरी बीमारी इन्हें लग सकती है। इसी तरह जर्मन लोग हमारी तरह सालगिरह एक दिन पहले ही या छुट्टी वाले दिन आगे पीछे मनाने को सख्त नापसंद करते हैं और ख्याल करते हैं कि पहले सालगिरह मनाने से इंसान अपनी अगली सालगिरह से पहले ही मर जाता है और उसी दिन सालगिरह मनाते हैं जिस दिन हो। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नज़रीन ग्रामी, इस सालगिरह का तो पता नहीं पर जर्मन लोगों की इस सुपरस्टिशन पर तो मैं खुद भी हैरान हूँ। अगर जर्मन पालतू कुत्ता या कोई डॉग उनके घर के सामने मर जाए तो इस कुत्ते की रूह इस घर की हिफाजत करती है, यानी कुत्ते के घर के सामने मरने को जर्मन लोग नेकशगुनी समझते हैं। आप इसे किस तरह लेते हैं? वेल, दोस्तों, जर्मनी को लैंड ऑफ पोएट्स एंड थिंकर्स भी कहते हैं और मशहूर फिलासफर्स और दानश्वर एडिसन, हेगल, कांट, गोथे वगैरह का ताल्लुक जर्मनी से ही था। इसके अलावा मशहूर पाकिस्तानी शायर और दानिश्वर अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे और यहाँ उनके नाम पर एक स्ट्रीट भी है जिसे अलामा इकबाल स्ट्रीट कहते हैं। नज़रीन ग्रामी, अमीर ममालक के दुख भी अमीर ही होते हैं। नज़रीन, क्या आप जानते हैं जर्मनी की पॉपुलेशन में मुसलसल कमी वाकया हो रही है, यानी दीगर ममालक में जहाँ लोग बढ़ती आबादी से परेशान हैं वहीं जर्मनी की आबादी तेजी से कम हो रही है और एक सर्वे के मुताबिक ये आबादी 2060 तक 84 मिलियन से कम होकर 67 मिलियन रह जाएगी। जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81 ईयर्स है, जर्मन लोग जापान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पंक्चुअल माने जाते हैं और ये इनकी तरक्की का राज भी है। जर्मनी की 2/3 आबादी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। 4 लाख के करीब यहाँ मुस्लिम आबाद हैं, जबकि वो नेशनैलिटी जिन पर हिटलर ने पूरी दुनिया की जमीन तंग कर दी थी, यहूदी, यहूदियों की यहाँ 4 लाख के करीब पॉपुलेशन है। नज़रीन ग्रामी, तालीम पर तवज्जो देकर ही कोई मुआशरा तरक्की कर सकता है और जर्मन लोगों से ज्यादा ये बात कोई नहीं जानता। ये वाहद यूरोपीय मुल्क है जहाँ तालीम बिल्कुल मुफ्त है।
लोकल्स के लिए ही नहीं बल्कि अगर आप जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ जर्मन जुबान सीखें। आपको जर्मनी के कॉलेजेस में दाखिला और तालीम बिल्कुल फ्री होगी। जर्मन जुबान सिर्फ जर्मन्स की ही नहीं बल्कि चार और यूरोपीय ममालिक स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, टेंस्टन की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। नजरिन ग्रामी में उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।